हाय गाइस, सीओसी गुरु के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं गुरु, आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हूं गाइस। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो आप इन्फॉर्मेशन जब आप देखोगे, ये वीडियो देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे, भाई इतना आज तक क्या लीक हो चुका है। तो यस, मैं इस वीडियो में मैं आपको जितने भी यार लीक्स हुई है जो अभी आने वाले अपडेट की, तो मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा शेड्यूल लीक हो चुका है गाइस, यस। तो पूरा शेड्यूल बारी बारी से सब कुछ लीक हो चुका है, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा शेड्यूल समझाऊंगा। आप ध्यान से ये पूरा वीडियो देखना गाइस। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये फोटो देखिए, फोर डिफरेंट बिल्डर हंट की। ओके, तो जब भी ये कोई देखता है तो किसी को दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ये किसके लिए है बिल्डर हंट। ओके, तो मैं आपको वो भी क्वेश्चन दूर कर दूंगा। ये दूसरा फोटो देखिए जिसमें फोर ट्रूप्स है, बार्बेरियन, जायंट, विच एंड विजार्ड। ओके, तो ये सब कुछ फोर ट्रूप्स और फोर बिल्डर हंट दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन है गाइस। ओके, तो क्या है वो कॉम्बिनेशन? तो सबसे पहले तो अभी देखिए, अभी बिल्डर हंट्स का लोगो देखिए कैसा है, देख लिया। तो ये बिल्डर हंट का लोगो है, बट तो बिल्डर हंट में जब बिल्डर है नहीं, उसके जगह क्या है, बार्बेरियन। ओके, ये दिख रहा है आपको, बार्बेरियन है। तो वैसे ही सेम उसमें भी ऐसा है गाइस, जो सभी बिल्डर हंट है उसमें भी ऐसा ही मैच होता है। जैसे कि ये देखिए, इसके बाद जायंट वाला आने वाला है, मतलब कि जायंट सरप्राइज आएगा। ओके, तो जायंट बार्बेरियन की जगह ले लेगा और उस तब बिल्डर हंट ऐसा दिखेगा, देख लीजिए ऐसा बिल्डर हंट दिखेगा। उसके बाद आएगा विच वाला श्रिंग ट्रैप। ओके, विच वाला आएगा श्रिंग ट्रैप, तो उसमें ना जो विच है वो बिल्डर बन जाएगी। ओके, और वो भी सरप्राइजिंगली डिफेंस करेगी, और वो उसका जब वो बिल्डर हंट में आएगी विच, तो बिल्डर हंट ऐसा हो जाएगा, ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी डिजाइन ऐसी हो जाएगी। उसके बाद आएगा विजार्ड, तो विजर जब आएगा तो वो लेकर आएगा बथड़े बूम स्पेल को। ओके, तो वो बथड़े बूम स्पेल को लेकर आएगा और वो विच की जगह ले लेगा, तब जो बिल्डर हंट है उसकी डिजाइन विजर टावर जैसी हो जाएगी, जैसे कि आप ये देख लीजिए। ओके, तो ऐसा बारी बारी से सभी ये बाकी के तीन ट्रूप्स आएंगे और बिल्डर हंट में आकर एक दूसरे की जगह एक रिप्लेस हो जाएंगे एक दूसरे की जगह से। ओके, तो ये सब कुछ अपडेट है। अभी रही बात मेन कि ये कब आएगी, तो गाइस हर एक वीक एक बारी बारी से आएगा, हर एक वीक ये चलेगा। ओके, जैसे कि अभी चल रहा है ये बैटल रैम, ये बार्बेरियन, उसके बाद अभी नेक्स्ट वीक में आएगा जायंट, उसके नेक्स्ट वीक में आएगा विच, उसके नेक्स्ट वीक में आएगा विजार्ड, और उसके बाद जब अगस्त खत्म हो जाएगा उसके बाद बिल्डर वापस आ जाएगा। तो रही बात कि ये एक एक वीक भी हो सकता है या फिर दो तीन दिन में हमें एक बार मिल जाए, बिकॉज ऑफ सुपरसेल ने ऐसा बोला है कि हम ये पूरा मंथ है ना वो सेलिब्रेट करने वाले हैं 5th एनिवर्सरी को, तो इसीलिए वो हर एक वीक नया नया कुछ देंगे, इसीलिए तो पूरा वीक ये सब की सब क्लैश एनिवर्सरी इवेंट है वो चलेगी, और सुपरसेल और जो खेलने वाले हैं क्लैश ऑफ क्लैन प्लेयर वो इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो ये पूरा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है, जो लीक्स आई थी, मेरी स्पेकुलेशन थी, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं आगे कि कितना सच निकलता है, कितना झूठ निकलता है। होप यू गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो गाइस लाइक ठोक देना। ओके, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में जो भी क्लैश ऑफ क्लैन का फैन है, और हाँ पहली बार अगर आप आए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलेगा, क्योंकि मैं ऐसी अपडेट न्यूज़ लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए द क्लैश ऑफ क्लैन।